हे एवरीवन, सो बारिश तो आ गई है एंड बारिश में भीगना हम सबको पसंद है, बट डू यू नो बारिश में भीगने से आपके बालों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल सा रूटीन बताने वाली हूँ, हेयर केयर रूटीन, जो आप मॉनसून में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ऑयलिंग पे ध्यान देना है, ट्वाइस अ वीक इज़ अ मस्ट, आपको ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपना कोई भी एक फेवरेट सा ऑयल ले लीजिए और आप ऑयलिंग कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप ओवरनाइट छोड़े अपने बालों में ऑयल, 2 घंटे में भी ऑयलिंग करके आप बालों को वॉश कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके बालों को हेल्प करता है ग्रो करने में जब आप प्रॉपर ऑयलिंग करते हो, तो ऑयलिंग इज मस्ट। सेकंड इज हेड मसाज। मसाजिंग कैन डू अ ह्यूज डिफरेंस टू योर हेयर, बिकॉज मसाजिंग करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन एवरी डे प्रॉपर चलता है, जिससे आपके बाल ग्रो होने से स्टॉप नहीं होते हैं। सो नो मैटर वॉट, दिन में 2 मिनट भी अगर आप अपने बालों को हेयर मसाज देते हो, आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हेयर से दूर होंगे। तीसरा, मैं रोजमेरी वाटर जो है लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, हर किसी को पता है कि रोजमेरी आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो ये इसने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरे बालों में, थिक ग्रोथ होना, बाल अच्छी, जहाँ पर आपको थिनिंग है स्पेशली वहाँ पर टारगेट करिए, वहाँ पर आप इस हेयर वाटर को लगाइए। नहाने से 20 मिनट्स पहले या 2 घंटे पहले भी अगर आप लगाते हो, बेस्ट रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ट्वाइस अ वीक लगाइए, विद इन 2 मंथ्स आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। नाउ देयर कम्स द वीकली मास्क विच आई नेवर एवर मिस। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिबिस्कस हेयर मास्क, जिसमें मैंने ऐड किया है एलोवेरा जेल एंड एप्पल साइडर विनेगर। अब ये एक ऐसा हेयर मास्क है जो आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है एंड आपके बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। मेरे चैनल पर अगर आप हेयर केयर प्लेलिस्ट चेक करोगे, आपको वहाँ पे एन नंबर ऑफ हेयर के मास्क मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही हेयर मास्क लगाना है, आप कोई भी हेयर मास्क लगा सकते हैं, बट वीक में एक बार हेयर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके बालों को प्रॉपर प्रोटीन एंड वाइटामिन मिल सके। बाल आपके लंबे होने के साथ साथ खूबसूरत भी लगना चाहिए गाइस। तो सिर्फ हेयर ग्रोथ बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपके बालों में जान भी होनी चाहिए, आपके बाल शाइनी एंड स्ट्रेट एंड बाउंसी भी होना चाहिए, जिस वजह से हेयर मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप कोई भी एक हेयर मास्क देख लीजिए एंड 20 मिनट्स लगाकर उसे वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद प्रॉपर हेयर वॉश कर लीजिए। अब यहाँ पे हेयर वॉश का भी एक रहता है, आपको ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना है, रूम टेम्परेचर में अपने बालों को धोइए, आपको हेल्दी हेयर रखना है तो। एंड हमेशा अपने बालों को नेचुरल ड्राई करें जितना हो सके, हेयर ड्रायर कम यूज़ कीजिए। स्ट्रेस लेने से भी आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं गाइस, तो मैं स्ट्रेस काफ़ी लेती ही नहीं हूँ, बहुत कम लेती हूँ एंड आई यूज़ लेस हेयर ट्रीटमेंट लाइक स्ट्रेटनिंग मशीन, कर्लिंग मशीन, ये अपने बालों में बहुत कम लगाती हूँ। अपने बालों में जेल लगाने या कोई भी सीरम लगाने से ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एलोवेरा जेल अपने बालों में लगाऊँ, केमिकल को जितना हो सके अपने बालों से दूर रखूँ। यहाँ पर आता है डिटॉक्स हेयर ग्रोथ ड्रिंक। अभी बाहर से तो हम अपने बालों का ध्यान रखते हैं, बट इंटरनली भी आपको अपने बालों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ दी आंवला जूस, जो वंस अ वीक और 15 डेज में एक बार भी अगर आप इंटरनली इसे इंटेक करते हो, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस ऑन योर हेयर। टू हैव अ हेल्दी हेयर, आपको अपने डाइट पर भी बहुत ध्यान लेना होता है, जैसे कि डाइट में आपको अपने ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने होते हैं, रेनबो फ्रूट्स ऐड कीजिए, जिसमें मल्टीपल बहुत सारे फेवरेट फ्रूट्स आप खाइए, जितना हो सके विटामिंस और अपने मिनरल्स दीजिए बालों को, साथ ही साथ हैविंग 8 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर एक्सरसाइज करने भी ज़रूरी है। सो आई एम श्योर यू लव दिस सिंपल हेयर केयर रूटीन, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, कॉमेंट कीजिए कोई भी क्वेश्चन है तो। एंड डू लव योर हेयर, स्टार्ट लविंग योर हेयर फ्रॉम राइट नाउ गाइज, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।